कृष्णा, आप सभी भक्तों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी जो भी भक्तजन माता जी या प्रभु जी जय राधा माधव करना चाहेंगे तो प्लीज आप हैंड रेस कर सकते हैं जय राधा माधव के लिए। हरे कृष्णा। सुप्रिया माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। जी हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय यशोधा नंदन, जय ब्रज जन रंजन। जय यशोधा नंदन, जय ब्रज जन रंजन। जय जमुना तीर बन चारी। जय राधा माधव, जय कुंज विहार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत डिफरेंट टोन में भजन गाया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा जी। अभी जो भी माता जी या प्रभु जी मंगलाचरण करना चाहेंगे प्लीज आप हैंड रेस कर सकते हैं मंगलाचरण के लिए। कोई नया भक्त प्रिंस जी माता जी के अलावा जिसने पहले कभी मंगलाचरण ना किया हो? प्रतिभा माता जी, आप मंगलाचरण कर सकते हैं प्लीज। अपनी वीडियो भी ऑन कर लीजिए आप। प्रतिभा माता जी, प्रतिभा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। प्रिंसी माता जी, फिर आप ही कर लीजिए। अगर प्रतिभा माता जी अनम्यूट नहीं हो रहे तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। प्रिंसी माता जी प्लीज आप। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, ओ माय ज्ञानितम मेरा धासा ज्ञान जनन शाला क्या ससुर न मिलता मैं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोमिष्ठांग स्थापते नेन भूतले संगरूप कदा महेश दाति पादिकम्। श्री रूप सागर श्री वंदे हम श्री गुरु श्री उद्भुत कमलम। श्री गुरुमन वैष्णवे वाचा श्री रूप सागर जात सहगना रघुनाथ धावंतीम तम सजीवम स्वदेत शावधूतम परिजन सहितम। कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा निवेदितां च नमः। ओम विष्णु पदाय किस्पष्टलाय भूतले श्रीमते नव योगेन्द्र स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुनवादे समस्त देशितारिणे। नमः ओम विष्णु पदाय किस्पष्टलाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुनवादे पश्चात्सिदेशितारिणे। श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरे श्री वशादि गौर भक्त वृंद वैष्णवे प्रणाम। वाचा काल पादरुम कृपा सिंधु एव च पतितानां पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमः नमः।
भक्त पंच तातात्मक प्रणाम पंच तातम कृष्ण भक्ति स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशे गोपिका कांते श्री राधा कांते नमस्तुते तपत कांजेनु गौरांगी श्री राधा वृंदावने श्री कृष्ण भानु सुते देवी प्रणामामि हरि प्रिय महाप्रभु चैतन्य की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी कुछ त्रुटि हो गई है इसमें उसे क्षमा कीजिएगा। वन मिनट माता जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी अभी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत है, तो मैं नदिया विहारी प्रभु जी से परमिशन लेके मैं भी आज शाम तक या कल आपको मैं कॉल करूंगी माता जी, ठीक है? देन विधि माता जी या कोई भी जो डिवोटी फ्री होंगे वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे माता जी, ठीक है? कोई इशू नहीं। वैसे आपने प्रयास बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। हम प्रभु जी से एक बार बात करके फिर आपको कॉल कर लेंगे। हरे कृष्णा। अभी जो भी माता जी या प्रभु जी चैतन्य शिक्षा अष्टकम का पाठ करना चाहेंगे तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। दिनेश प्रभु जी आप करना चाहेंगे शिक्षा अष्टकम तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निवारपणम श्रेयाकरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिवदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मतस्वरं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्नामापि दुर्धरेवामि दशमिहाजनीनानुरागः तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामानदेना कीर्तनीया सदा हरिः ना धनम ना जनम ना सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहूत की तवै ऐ नंद तनुज किंकरं पतितं मा विस्मये भवाम्बुधो कृपया तौ पाद पंकज स्थित धूली सदीशरम विचिन्तया नयनम गलत्सुधारया वदनम गदगद रुद्ध्या गिरा पुलके निश्चितं वपू कदा तव नाम गरणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावशायितं शून्यायितं जगत सर्व गोविंद विरहेण मे आशीलस्य वापाद विनष्टुमा मद्दर्शनान् महर्तां करोत्वा यथा तथा वा विद्घाटो लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नाप्र। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर पाठ किया, थैंक यू सो मच। अभी हम गुरु महाराज जी को याद करते हुए शिला प्रभुपाद जी के साथ एक माला का जप करेंगे।
नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नव्योगेन्द्र स्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे जय नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के सेशन में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने गुरु महाराज जी का प्रवचन सुना है तो उसमें से जो भी आपने पॉइंट सीखे हैं, आपको जो समझ आया है तो आप अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं प्लीज। जी प्रिंसी माता जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। मैंने लेक्चर में ये सीखा है, अगर कभी कुछ घटना घटने वाली होती है तो उसको सिर्फ भगवान ही काट सकता है। बाकी जो आम लोग होते हैं, जब उनपे कोई परेशानी कोई विपदा आती है तो ये सारा दोष भगवान जी को मानते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जब उनपे कोई भगवान की कोई मतलब कोई भी अन्यथा कुछ भी हो जाता है तो वो सिर्फ भगवान जी की ही कृपा मानते हैं उसको। जैसे बानीनाथ पे जब उसको इतना बड़ा कष्ट भी आया तो तब भी वो भगवान हरि नाम का जप ही कर रहे थे। तो इसलिए हम सबका इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, चाहे कितनी भी विपदा है, जितनी भी कष्ट है, तो हमें अपना जप अपनी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। थैंक यू सो मच कि उनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट भी दे रहे थे पर फिर भी उनका जो हरि नाम था वो कंटिन्यू चल रहा था माता जी। थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। एकता माता जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी माता जी। माता जी, आज मैंने गुरु महाराज जी से सीखा, भगवान भक्तों के साथ अपना संबंध बनाते हैं, जो भक्त नहीं है वे भगवान के साथ, भगवान उनके साथ नहीं होते हैं। जिसके कुल में एक भी भक्त बन जाता है तो भगवान उनके आगे और पीछे वाले जितने भी कुल होते हैं उनका उनके मतलब उन पर अपनी कृपा कर देते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। कल वो जो इवनिंग वाला सेशन हुआ था उसमें भी गुरु महाराज जी ने एक माता जी का कोई प्रश्न था, उसमें उन्होंने पूछा कि अगर हम एक बार अपनी हम चैंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे आगे और पीछे के सारे जो हमारे कुल है वो तर जाएंगे। तो गुरु महाराज जी ने उन्हें कहा था कि उसमें क्या होता है कि आप पहले माला स्टार्ट कीजिए, उससे फर्क पड़ेगा, पर जब आप एक शुद्ध भक्त की अवस्था में पहुंचेंगे, जब आप खुद ही बहुत ज्यादा प्योरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद ये चीज बहुत ये पॉसिबल होती है, जिससे क्या होता है सब ही भक्ति में भी आ सकते हैं। धन्यवाद। सुदर्शना माता जी, अब अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। जो महाराज जी बता रहे थे कि जैसे हमें भगवान की भक्ति है जो वो भगवान से मिलने के लिए करनी चाहिए, ना कि कोई भौतिक सुखों को पाने के लिए। तो मैंने आज यही सीखा महाराज जी से। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। जैसे गुरु महाराज जी हमेशा कहते हैं कि हमें कुछ भी करना है, चाहे वो सेवा है, भक्ति में कुछ भी हमें करना है तो वो निष्काम भाव से ही करना है। अगर हम उसके बदले में भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो वो व्यापार होता है, वो प्रेम भाव या फिर भक्ति नहीं होती। थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आस्था माता जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा, नंदन प्रणाम माता जी। प्रणाम, बहुत दिनों बाद माता जी, थैंक यू सो मच आपने पार्टिसिपेट किया जी। माता जी, आज गुरु महाराज जी लेक्चर्स मैंने यही सीखा कि जैसे उन्होंने बताया कि गृहस्थ जीवन जो है, वैसे तो इसे विषय को कहा गया है, लेकिन अगर गृहस्थ भी वैष्णव बनता है तो ये उस जीवन की सार्थकता है। और मैंने यही सीखा कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम गृहस्थ में तो आए हैं तो कुछ करें वैष्णव बनने की, और आगे जो एलेक्सेशन है उसमें एजुकेट करें, बिकॉज गृहस्थ जीवन में सभी एंटर हो रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि गृहस्थ भी एक आश्रम है और उसका पालन किस तरह करना चाहिए। तो उन नियमों का पालन करते हुए अगर वो गृहस्थ जीवन में रहता तो वो निंदनीय नहीं है, वो भी उसकी भी भगवान ने प्रशंसा ही की जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माता जी। जैसे कि जब हम भक्ति में जो मतलब एक्चुअली बाकी भक्त तो का मुझे तो इतना आइडिया है नहीं, पर हमें गुरु महाराज जी से जुड़ने से पहले पता ही नहीं था कि गृहस्थ भी कोई आश्रम होता है और विवाह भी कोई यज्ञ होता है, तो हमें तो बहुत बाद में पता चला इस चीज के बारे में। तो इसलिए जैसे कल गुरु महाराज जी के वचन में भी बता रहे थे कि जो हमारे शिला प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज
उन्होंने क्या कहा कि वो एक बिल्कुल नेस्टिक ब्राह्मण, मतलब वो क्या बोलते हैं, नेस्टिक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी थे जी जी। तो उन्होंने कभी भी किसी स्त्री का मतलब मुख तक नहीं वो देखते थे। तो उन्होंने कल ये बोला था कि अगर मैं अपनी जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चों को अगर मैं भक्त पैदा कर सकता तो मैं 100 बच्चे पैदा करता। तो इससे हमें यही सीखना चाहिए कि जो गृहस्थ आश्रम है उसमें उसके भी एक नियम, अपने एक नियम पालन होते हैं, वो हम करते हुए भक्ति करते हुए खुद भी भक्ति करें और जो आने वाली जनरेशन है उन्हें भी हम भक्ति दें और उन्हें भी हम भक्त बनाएं। जो काम हमारी आस्था माता जी बहुत सुंदर से कर रहे हैं हमें पता है, और इवनिंग में क्लासेस भी लेते हैं, और जैसे हम नदिया बिहारी प्रभु जी को भी देखते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो कितने अच्छे से उन्हें सब कुछ सिखाते हैं। तो हमें इन सुमन माता जी से, नदिया प्रभु जी से, आस्था माता जी से और राकेश मेहता प्रभु जी से सीखना चाहिए कि हम भी गृहस्थ आश्रम में कैसे सुंदर से रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। प्रतिभा माता जी आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। जी माता जी धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी से आज हम यही से कहें कि जब तक हमारा मन विषय विकारों में लगा हुआ है तब तक भगवान के चरणों को हम नहीं पा सकते हैं। और ये जो भक्त है उसे ही भगवान अपना संबंध बनाते हैं, जो भक्त नहीं है उसे भगवान को भी अच्छा नहीं लगता है। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी थैंक यू सो मच माता जी, इतना सुंदर पॉइंट शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। रामानंदित प्रभु जी आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी मैंने आज जो लेसन लिया कि भक्त जो होते हैं कितना भी कष्ट आए तो वो लोग वो सोचते हैं कि हमको इससे भी ज्यादा कष्ट मिलना था, मगर हमें भगवान की कृपा से ये कष्ट हमारा छोटा हो गया, तो ऐसा संभाव रखते हैं भक्त। धन्यवाद माता जी। जी प्रभु जी आपने जो पॉइंट बताया ये बहुत सुंदर पॉइंट था। आज एक्चुअली मैंने भी यही गुरु महाराज जी से सीखा कि जो भक्त होते हैं अगर हमारे ऊपर दुख आते भी हैं तो उस समय में भी हमें हरि नाम करना है। वो देखो उनके पास माला भी नहीं थी, वो फिंगर्स पे करते थे और अपनी बॉडी पे लाइंस बना लेते थे। कई बार जैसे मैं तो स्टार्टिंग में ऐसे ही बहाने मारती थी, अभी तो माला नहीं है अभी कैसे करें। तो इसी से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर कभी हम ऐसी सिचुएशन में भी हैं, जैसे हम कभी गए हैं बाहर भी गए हैं, तो हम फिंगर्स पे भी कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको अपना काउंट कर सकते हैं हमारे और कितनी माला होगी अभी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और जैसे एक एग्जांपल कुंती महारानी जी का भी देते हैं गुरु महाराज जी, तो उनसे भी हमें सीखना चाहिए कि चाहे कितने भी दुख हो हमें भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी और कोई भक्त माता जी या प्रभु जी कोई पॉइंट शेयर करना चाहे? आज काफी कम भक्तों ने हैंड रेज किया है, अगर करना चाहें तो प्लीज, अदरवाइज फिर हम अपना जो वैष्णव भजन है आज उस पे मतलब वो स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा जी। सब भक्तों के लिए इंद्रनाथ गुरु ने एक मैसेज दिया है जो मैंने ग्रुप पे मैसेज भी सेंड किया है कि कल अपरा एकादशी है, तो जो भी भक्त लोग मतलब उस अपराध से गुजरे हैं तो कल उनको फास्टिंग रखना है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों को फास्ट रखना है। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, तो उनको सिंगल रखना है। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। हरे कृष्ण। तो मैं एक बार नीरज माता जी को अनुरोध करता हूँ अपना पॉइंट शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं आज गुरु महाराज जी से सीखे हैं कि भगवान से अलग होने के कारण कई प्रकार के दोष और पाप आ जाते हैं, और अपने भगवान के शरण में रहना है और खुद को नरक से जाने से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। थैंक यू वेरी मच। अभी हम नया माता जी को इनवाइट करते हैं आज का वैष्णव भजन सिंह करने के लिए। जी प्रभु जी स्क्रीन शेयर कर मतलब या मैं कर दूं? प्रभु जी मैं कर देता माता जी। मंजरी पादा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. कुछ मैं कर दूं स्क्रीन शेयर अगर नहीं हो रही जी माते आप कर दीजिए मेरे से मैं कर देती हूँ एक मिनट बस हाँ जी हरे कृष्णा गुरु महाराज की जय शिला प्रभुपाद की जय आज मैं ये एक वैष्णव जो भजन है गुरु महाराज जी कृपा से गुरु महाराज जी के चरणों में अपने पूरे एस्पायरिंग डिवोटीज की तरफ से उन्हें समर्पण करना चाहूंगी मैं तो जो ये भजन है नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गाया है तो अगर मेरे से त्रुटि होगी तो प्लीज मैं पहले क्षमा मांगती हूँ आप सबसे क्योंकि थोड़ा सा इसकी लय स्केल अप डाउन होता है काफी पर मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था हरे कृष्ण श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपद श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपद सई मोर भजन भजन पूजाना श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपद सई मोर भजन भजन पूजाना सई मोर प्राण धन सई मोर आभरण सई मोर जीवरेर जीवर जीवन सई मोर प्राण धन सई मोर आभरण सई मोर जीवनेर जीवा श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपद सई मोर भजन भजन पूजाना सई मोर रस निधि सई मोर वंचा सिधि सई मोर वेदर वेदर धरम सई मोर रस निधि सई मोर वांच सिधि सई मोर वेदर वेदर धरम से व्रत से तप से मोर मंत्र जप से मोर धरम धरम करम सेई मोर धरम सेई मोर करम श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद सेई मोर भजन भजन पूजाना अनुकूल होय बेविधि से पदे होई बे सिधि नरी के ए बई दोई दोई नाइने से रूप माधुरी रशि प्राण कुल से रूप माधुरी रशि प्राण प्राण कुवलय शशि प्रफुल्लित होई बे निशी निशी दिने
श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपद सई मोर भजन भजन पूजन तुया आदर्शन है तुया आदर्शन है गरले चारल दे चीर दिन तापी 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 जीवन तुआ आदर्शन है गरले चारल दे चीर दिन तापी 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 जीवन हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया नरोत्तम लैल लैले लैले शरण हा हा प्रभु कर दया देही मोरे पद छाया मोरे लैले लैले शरण श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन भजन पूजन श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन भजन पूजन हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप गोस्वामी जी की जय सनातन गोस्वामी जी की जय गुरु महाराज की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण गुरु जी एक्चुअली इसका ना स्केल बहुत अप डाउन था मैंने बड़ा प्रयास किया प्रभु जी मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे कल रात ही सिखाया एक्चुअली बड़ा उनके पास समय भी नहीं था तो मैंने प्रभु जी को कॉल किया मैंने कहा मेरे को करना है तो बड़ी मुश्किल से सिखाया उन्होंने सॉरी प्रभु जी थोड़ा अप डाउन हो गया था जल्दी से धीरे धीरे हम सीखेंगे तो धीरे धीरे हम सीख जाएंगे ये भजन बहुत प्रिय है और अभी इस ग्रेस काले कृष्ण गुरु आपको इसके बारे में थोड़ा अच्छा व्याख्या करेंगे जो भाई रहे इसको व्याख्या करने में यस प्रभु जी प्लीज वेल प्लीज कम प्रकट होइए प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दर्शन दीजिए सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी थोड़ा सा कम है प्रभु जी थोड़ा सा कम है लिटिल बिट अभी तो सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम और जैसे नदिया विहारी प्रभु ने बताया कि मैं इसका अच्छी तरह व्याख्या करूं लेकिन मेरे को योग्यता नहीं है ये बहुत ही उच्च कोटि का भजन है जिसको लालसामयी प्रार्थना बताते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा विचरित है और बताते हैं कि हमारे जो श्री प्रभुपाद जी थे उनके जो गुरु महाराज थे भक्ति श्री भक्ति सिद्धांत सोई ठाकुर उनको ये भजन बहुत ही प्रिय था और जब वो इस धरातल से इस धरातल से को छोड़ के जब भगवत धाम वापस जा रहे थे तो उस समय उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि उनको ये भजन सुनाया जाए तो ये बहुत ही उच्च भाव है और शायद इसको समझने की तो बात दूर है इसको जो यथारूप उसका जो अनुवाद लिखा हुआ है वो अनुवाद को अगर हम अपने जीवन में धारण कर सकें और कभी ऐसा फील कर सकें तो ही हमारा सौभाग्य होगा पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे ये तो वैष्णव की अथाह दया है कि उन्होंने इन भावों को हमारे समक्ष प्रकट किया है हम सब जीवों को बताने के लिए कि हमें किस स्टेज तक पहुंचना है अन्यथा हमें कभी भी जीवन में ये पता नहीं चलता कि हमें भक्ति कैसे करनी है और किस स्टेज तक पहुंचना है तो ये लालसामयी प्रार्थना श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा विचरित है और वो अपना ये भाव बता रहे हैं कि किस तरह से वो रूप गोस्वामी के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं बहुत ही सुंदर भजन है प्रभुपाद को भी ये भजन बहुत ही ज्यादा प्रिय था और सारे आचार्यगण इसी भजन को दोहराते हैं और अपने
जब अपने जीवन काल दरमियान जो भी भजन वगैरह करते हैं, भजन भक्ति करते हैं, उसके बाद में ये एकमात्र जो इच्छा सभी आचार्यों ने जो प्रकट की है वो ये है कि श्री रूप गोस्वामी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया जाए। तो जैसे हम सब लोग जानते हैं, हम थोड़े इसका अनुवाद पढ़ते हैं, पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं, श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोरा भजन पूजन से मोरा प्राण धन से मोरा आभरण से मोरा जीवन रजीवन। श्री रूप मंजरी के चरण कमल ही मेरी वास्तविक संपदा है, उनकी सेवा ही मेरा भजन पूजन है और वे ही मेरे प्राण धन है, मेरे आभूषण एवं मेरे जीवन के भी जीवन स्वरूप है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि किस तरह से एक साधक के जीवन में जो हम भजन मार्ग में लगे हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु की धारा में गौरी वैष्णव परंपरा में अपने आपको जोड़े हैं, तो उस भजन में लगे हुए भक्त का जो भाव है कि भाई संसार की जो मिथ्या संपत्ति है उसको अपने नाम मानते हुए रूप गोस्वामी के जो चरण कमल है वही हमारे वास्तविक संपत्ति होनी चाहिए। मतलब उसी को ही हमें अपने आप हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अगर वो मेरे को मिल जाए तो संसार में उससे कीमती चीज और कोई भी नहीं, कोई संपत्ति नहीं है संसार में, चाहे हम जितना भी कर्म कर ले। तो प्रश्न ये उठता है कि कई सारे आचार्य हैं और चैतन्य महाप्रभु की धारा में महाप्रभु कई सारे पार्षदों को अपने साथ लेके इस धरातल पर प्रकट हुए थे, और जैसे हमने सुना कि चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण हैं लेकिन राधा रानी का भाव लेके प्रकट हुए हैं कलयुग के अंदर। फिर हमने कल नित्यानंद प्रभु के बारे में भी बहुत थोड़ा बहुत सुना, जो नित्यानंद प्रभु के ग्लोरिफिकेशन में जो भजन का लगाया गया था कि उन्होंने इस तरह इस संसार के जीवों को क्या प्रदान किया। तो चैतन्य महाप्रभु ब्रज का दुर्लभ कृष्ण प्रेम बांटने के लिए संसार में आए और उसको बांटने की जो जिम्मेदारी थी वो नित्यानंद प्रभु को दे दी। तो जब ये दोनों चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जिस धरातल पर प्रकट थे तो उन्होंने संसार के जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। लेकिन जब फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो हम जो 50 साल या 60 साल जैसे चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स तक इस धरातल पर रहे थे और फिर बाद में वो लीला अपनी लीला संवरण करके वापस धाम को चले गए, तो जब वो उन्होंने सोचा कि कलयुग में आगे आने वाले जीवों का कल्याण कैसे होगा, हम तो अभी जो जीव है उनको हम अपने हाथों से कृष्ण प्रेम प्रदान करके जा रहे हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं, लेकिन फिर बाकी के जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो इसीलिए जैसे हम सब जानते हैं चैतन्य चरितामृत में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने कोई बड़े बड़े ग्रंथ प्रदान किए हो हमें, या सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में ये जो चैतन्य शिक्षाष्टकम है जो 8 पद हमें प्रदान किए उसको छोड़ के चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भी ऐसा विशेष संसार के जीवों को प्रदान करने की चेष्टा नहीं की। लेकिन जब वो इस धरातल पर प्रकट हुए थे कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए तो उन्होंने अपने अलग अलग शिष्यों को अलग अलग भक्तों को माध्यम बनाया कि जिसके माध्यम से उन्होंने इस कृष्ण प्रेम को प्रकट किया और आने वाले समय में हम जैसे बद्ध जीव जो कलयुग में प्रकट होने वाले थे उनको सरलता से कृष्ण भक्ति समझ में आए वैसी अरेंजमेंट वो करके गए। तो उसी के तहत हम सब जानते हैं कि उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की पदवी दी और नाम के आचार्य बनाए कि जिनके माध्यम से नाम की महिमा उन्होंने प्रकट कराई, और उसी तरह से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आदि जो आचार्य थे या प्रमुख 6 गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन आचार्यों के माध्यम से उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्र प्रकट कराए। रामानंद राय है, सार्वभौम भट्टाचार्य है, स्वरूप दामोदर है, तो जितने भी पार्षद थे सभी के साथ चैतन्य महाप्रभु ने हम सब जीवों को प्रदान करने के लिए विशेष जो ग्रंथ है वो प्रदान किए। तो इसी के तहत उन्होंने रूप गोस्वामी को रूप शिक्षा दी दशाश्वमेध घाट के अंदर प्रयाग के अंदर, उसके बाद फिर उन्होंने सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की, फिर उन्होंने रामानंद राय से गोदावरी के तट पर जो संवाद किया, तो इन सारे कन्वर्जेशन को फिर बाद में जो भक्त लोग थे उन्होंने रिटर्न फॉर्म में ग्रंथ के रूप में लिखे और वो ग्रंथ बाद में हम सब भक्तों को प्रदान कर रहे हैं, हम सबको गाइडेंस दे रहे हैं। तो अभी इसमें जो चैतन्य महाप्रभु जितने भी पार्षद इस धरातल पर प्रकट हुए थे उन सब में सबसे श्रेष्ठ जो
मतलब जिनको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है या जिनके नाम से ये धारा चलती है, हम जिस धारा में अभी दीक्षित होना चाहते हैं, दीक्षित हैं, उसको कहते हैं रूपानुग। हमारी जो परंपरा है उसको कहते हैं रूपानुग। और आचार्यगण बताते हैं कि हमें रूप गोस्वामी के अनुगत्य में भजन करना है, उनके बताए हुए रास्तों के, उनके बताए हुए जो नियम है, सिद्धांत है, उनके ऊपर हमें भजन करना है। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों है? आचार्य तो कई सारे थे, कई सारे भक्त लोग थे, तो फिर सिर्फ रूप गोस्वामी को ही क्यों ये विशेष स्थान प्रदान किया गया हमारी परंपरा में? और हम सब जीवों को बताते हैं कि हम सब रूपानुग हैं, और कई आचार्यगण बताते हैं कि रूप गोस्वामी भक्ति के पिता हैं, जो हमें भक्ति प्रदान कर सकते हैं, भक्ति उनके आश्रित है और वो इस संसार के जीवों को भक्ति प्रदान कर रहे हैं कलयुग के अंदर। तो उसका मेन कारण यही है कि जब चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव, स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेके जब इस धरातल पर प्रकट हुए, तो उनके साथ कृष्ण लीला में जो भी उनके इंटीमेट पार्षद थे, जैसे जो प्रमुख सखियां हैं विशाखा देवी और ललिता देवी, तो जो रामानंद थे वो विशाखा देवी और स्वरूप दामोदर ललिता देवी बनके इस धरातल पर प्रकट हुए। और जब भी राधा कृष्ण की गुह्यतम लीलाएं होती हैं, जो कृष्ण प्रेम है जो इस धरातल संसार के जीवों को जब देना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो कृष्ण प्रेम जो ब्रज में जब प्रकट होता है और जब राधा कृष्ण आपस में मिलते हैं और उनके बीच में जो लीलाएं होती है, तो उन लीलाओं में जो कृष्ण प्रेम प्रकट होता है, वही प्रेम प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो फिर बाद में उन्होंने जब राधा कृष्ण आपस में मिलते हैं तो कई सारे जो सखीगण हैं उनको उसमें हेल्प करते हैं, जिसमें प्रमुख 8 सखियां हैं, ललिता विशाखा आदि और बाकी जो 6 सखियां हैं, वो उनकी लीला में सहायता करती हैं। और इन 8 प्रमुख सखियों को छोड़ के कई सारी ऐसी मंजरियां हैं जो राधा कृष्ण के इंटीमेट सेवा में लगी हुई हैं। उन मंजरियों का, जैसे राधा कृष्ण की जो अल्टीमेट पास्ट टाइम है वो 15-16 साल की अवस्था में, मतलब नव युवक अवस्था में उन्होंने ये पास्ट टाइम संसार के जीवों के समक्ष प्रकट किए थे। तो और उनके साथ में जो उनकी सखियां थी वो भी उन्हीं के एज के बराबर थी, जो सखा थे सखी थी वगैरह, लेकिन जो उनकी नित्य प्रति नित्य सेवा में जो लगी हुई है राधा रानी की जो प्रमुख मंजरिया है, वो मंजरियों की एज 10-12 साल मानी जाती है। मतलब वो राधा रानी से उम्र में थोड़े छोटे रहते हैं और वो राधा रानी की नित्य प्रति नित्य सेवा करती रहती हैं। जब भी राधा कृष्ण का मिलन होने वाला होता है तो निकुंज को सजाती है, राधा रानी का श्रृंगार करती है, राधा रानी के अलग अलग अंगों पे वो पेंटिंग करती हैं, कभी कभार वो भगवान कृष्ण की भी उसी तरह सेवा करती हैं। तो इस तरह से राधा रानी के जो पार्षद हैं उसमें जो प्रमुख 8 सखियां तो है ही, लेकिन उनको छोड़ के फिर ये मंजरियां हैं, और उन मंजरियों में जो प्रमुख मंजरी है वो रूप मंजरी है, और वही रूप मंजरी चैतन्य लीला में रूप गोस्वामी बन के प्रकट हुए हैं। तो राधा कृष्ण की जो अल्टीमेट गुह्यतम गुह्य लीलाएं हैं वो उन रूप मंजरी के द्वारा प्रत्यक्ष उन्होंने अनुभव किया हुआ है, उन लीलाओं को बारीकाई से देखा है, उन लीलाओं में सहयोग किया हुआ है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस धरातल पर कृष्ण प्रेम प्रकट करने के लिए जो अथॉरिटी जिनको दी वो रूप गोस्वामी, जो कि गोलोक वृंदावन धाम में रूप मंजरी के तौर पर उनकी सेवा में लगी हुई है, राधा कृष्ण की युगल सेवा में लगी हुई। तो इसीलिए उन्होंने ये जो सेवा प्रदान किया, ये जो जिम्मेदारी दी है वो रूप गोस्वामी को दी है, और इसी से ही हम, इसी के कारण हमारे जो हमारा ये संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसके अंतर्गत हम अपने आप को रूपानुग बताते हैं कि हम रूप गोस्वामी के अनुयायी है, या हम रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर, उनके पथ, उन्होंने जो पथ प्रदर्शन हमें दिया है उस पथ पर हम चलते हैं, इसलिए हम अपने आप को रूपानुग बताते हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है अपने आप को रूपानुग बताना, और साथ साथ में उसके तरह आचरण भी करना पड़ेगा जिस तरह से रूप गोस्वामी ने बोला है। तो इसी के कारण जितने भी उनके बाद जितने भी आचार्य हुए, तो उन्होंने अपने आप को रूप गोस्वामी के चरणों में समर्पित होना चाहा कि अगर हम लोग इस भौतिक धरातल को छोड़ के गोलोक वृंदावन धाम जाना चाहते हैं तो गोलोक वृंदावन धाम में जाके हमें करना क्या है, हमें भगवान राधा कृष्ण की सेवा में लगना है, और लगना है तो किनके अनुगत्य में लगना है, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में लगना है, क्योंकि वही प्रमुख मंजरी है जो उनकी सेवा में लगी हुई है। तो जितने भी प्रेडिसेस आचार्य हैं, जो भी गुरु परंपरा है, उसी के माध्यम से लगते हैं। तो हम अगर अभी, हमें अपने गुरु महाराज की सेवा करनी है, अगर हम जा पाए, उनकी तो है खैर इच्छा है,
गुरु महाराज चाहते हैं कि उनके प्रत्येक शिष्य और शिष्या भगवतधाम वापस जाए, इसलिए वो प्रयास भी करते हैं, हमें नाना प्रकार के उपदेश भी देते हैं अपने जीवन में पालन करने के लिए। लेकिन अगर हम उनको दृढ़ता से पालन नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जाएं। तो अगर हमारा ऐसा सौभाग्य हुआ और हम चले गए तो हमें अपने गुरु महाराज के अनुगति में सेवा करनी है, गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी के अनुगति में रह रहे हैं, प्रभुपाद जी उनके गुरु जी जो भक्ति सदन महाराज हैं, एक और केशवदास बाबा जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, उसी तरह से ये पूरी परंपरा रूप गोस्वामी तक पहुंचती है। और जिस जिस परंपरा का वर्णन जो प्रभुपाद महाराज ने भगवद गीता में जो दिया है, जिस परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान आता है, तो उसी परंपरा में हमें सेवा करनी है। हम कभी भी जीवन में राधा कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा अपने 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 स्वयं से नहीं करना है, क्योंकि यही तो गौड़ीय धारा है, यही तो रूपानु पद्धति है कि जिसमें जिसमें जो शिष्य है वो अपने गुरु के अनुगत्य में रह के ही सेवा करता है। तो इसी के कारण रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने अपने साथ लेके आए और उन्होंने रूप गोस्वामी के माध्यम से जो कृष्ण प्रेम का जो रहस्य है वो संसार के जीवों बाकी आने वाले जीवों के लिए प्रकट कराया, और फिर बाद में रूप गोस्वामी ने उनको ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। इसीलिए तो जब हम मंगलाचरण गाते हैं, एवरीडे हम मंगलाचरण गाते हैं, तो उसमें क्या मंगलाचरण गाते हैं, श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदंतिकम। तो उसमें बताते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो मनोविष्ट था कि संसार के जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने का, वो मनोविष्ट को रूप गोस्वामी ने जाना था, और इसीलिए मैं उन रूप गोस्वामी को प्रार्थना करता हूँ, या उन मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो रूप गोस्वामी कब अपने चरणों में मेरे को जगह प्रदान करने की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मनोविष्ट को सिर्फ रूप गोस्वामी जान पाए थे बहुत ही अच्छी तरह इंटीमेटली। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु संसार के जीवों को बताना चाहते थे वो उन्होंने रूप गोस्वामी के माध्यम से संसार के हम सब जीवों को शिक्षा प्रदान की। तो जो प्रमुख छह गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपालगढ़ गोस्वामी, उन छहों गोस्वामियों को महाप्रभु ने आदेश दिया था कि आप वृंदावन धाम में, इस भौम वृंदावन में जाए, और वहां पे जो 5,500 वर्ष पहले जो भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की थी, वो सारी जो सारी लीला स्थली थी वो लुप्त हो गई थी, तो उन लीला स्थलियों को उजागर करने का काम सौंपा। तो आज हम वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में जाके जितने भी लीला स्थली का हम भ्रमण करते हैं और वहां जाके ऐसा अनुभव करते हैं कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पे ये लीला की, तो ये जो स्थली आज प्रकट है वो सिर्फ और सिर्फ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और बाकी जो गोस्वामी गण हैं उन्हीं की कृपा के कारण हम उन लीला स्थलियों का दर्शन कर पाते हैं। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा प्राप्त करके जब गोस्वामी गण वृंदावन में पधारे तो वो अलग अलग जगह पे जाते थे, और वहां जाते ही उनको उस स्थान पे भगवान कृष्ण ने जो लीला की थी वो उनके हृदय में प्रकट हो जाती थी। तो फिर बाद में उन्होंने बाकी ब्रजवासियों को बुला के उनको ये दिया कि इस स्थान पे भगवान ने, इस रमण रेती के स्थान पे भगवान ने ये क्रीड़ाएं की हैं, यहाँ पे भगवान ने गौचारण किया है, यहाँ पे भगवान टेर कदम पे भगवान टेर लगाते थे, वहां पे वन में जाते थे अपनी गायों को लेके। तो इस तरह से जितने भी लीला स्थली प्रकट है ब्रज में वो इन गोस्वामियों की देन है कि जिनके कारण हम आज उन लीला स्थलियों को दर्शन कर पाते हैं, और वहां पे जाके हम प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव कर पाते हैं, फील होता है कि यहाँ पे भगवान ने ये लीलाएं की। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उनको दूसरी एक आज्ञा दी थी कि आप वृंदावन में जाके लीला स्थली को प्रकट कराए और फिर वहां पे जाके आप ग्रंथों का अध्ययन करिए, ताकि आगे भविष्य में आने वाले जो कलयुग के जीव हैं, हम जैसे पतित जीव, उन जीवों का उन जीव वो ग्रंथों को पढ़ के उनका अध्ययन करके और फिर इस भगवत भक्ति को प्राप्त कर सके। तो इसीलिए उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आदि जो भी गोस्वामी थे वो ब्रज में घूमते थे, उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं था रहने का, और वो हर रोज हर रात को अलग अलग पेड़ के नीचे जाके सोते थे, उनकी इस भौतिक संसार के प्रति किसी कोई भी आसक्ति नहीं थी, और उन्होंने पूरी रात रात बैठ के सिर्फ हार्डली वो सोते थे और हार्डली वो भोजन भी करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चेतना में लगे हुए थे, कृष्ण भजन में लगे हुए थे, और जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जिन सिद्धांतों को उनको बताया गया था, जो शिक्षाएं दी गई थी, रूप शिक्षा तो रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई, सनातन शिक्षा जो दी थी वो सनातन गोस्वामी ने उनको ग्रंथों के रूप में, तो रूप गोस्वामी ने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं। आज भी अगर आप इस्कॉन में भक्ति शास्त्री का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें जो प्रमुख ग्रंथ है, चार ग्रंथों का उसमें सम्मिलित होता है, कि उन चार ग्रंथों को आप पढ़ के अच्छी तरह समझ लेते तो आपको भक्ति शास्त्र की उपाधि दी जाती है, जिसमें भगवत गीता यथारूप है, ईशो उपनिषद है, भक्ति रसामृत सिंधु है और उपदेशामृत है। तो उस चार ग्रंथों में जो भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत है
वो श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा हम सब जीवों को प्रदान किया गया। तो इसीलिए इन दोनों ग्रंथों को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना है। विशेष रूप से जो उपदेशामृत ग्रंथ है वो हम सब जीवों को बहुत ही अच्छी तरह प्रारंभिक अवस्था में पढ़ना चाहिए, और पढ़ के उससे हमें बहुत सारा ज्ञान रूप गोस्वामी प्रदान करते हैं कि किस तरह से डिवोटी को बाकी डिवोटी के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने जीवन में किस किस नियमों का पालन करना है, और किस तरह से हमारे जो अनर्थ है उनसे निपटारा होना है। तो ये सारी जो चर्चा है वो रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में दी है, और भक्ति रसामृत सिंधु भी एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों को पढ़ने, अच्छी तरह समझने और पढ़ने के बाद भक्ति शास्त्री की उपाधि मिलती है। तो ये जो उस कोर्स में जो दो प्रमुख ग्रंथ है वो भी रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे गए। उसके सिवा उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। रूप गोस्वामी को कभी भी बताया जाता था वो बहुत काव्यात्मक ढंग से श्लोकों की रचना करते थे और भगवान की लीला कथाओं के बारे में बताते थे। उनके द्वारा एक पद्यावली नामक ग्रंथ लिखा गया है, फिर ललित माधव, विदग्ध माधव और चैतन्य चंद्रोदय नाटक, ऐसे कई सारे ग्रंथ रूप गोस्वामी के द्वारा हम सब जीवों को प्रदान किए गए हैं। और सनातन गोस्वामी ने भी, जो उनके अग्रज भाई थे, बड़े भाई थे, उन्होंने भी कई सारे ग्रंथ, बृहद भागवतामृत लिखा हुआ है और हरिभक्ति विलास लिखा हुआ है, जिसमें हरिभक्ति विलास में हम सब जो अभी नए जुड़ने वाले भक्त हैं उनको अपने जीवन में किस तरह से नियमों का पालन करना है, इसी के कारण उन नियमों को किस तरह से हमें अपने जीवन में धारण करना है, किस तरह से उन नियमों का पालन करते हुए भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए वो सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। उन सारे ग्रंथों को हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे जो नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से वो रूप गोस्वामी को समर्पित होकर अपना जीवन समर्पित कर देना चाहते हैं। दूसरी लाइन में वो बताते हैं कि वही मेरे रस निधि है तथा मेरी इच्छाओं की सिद्धि है, वही मेरे लिए वेदों के धर्म स्वरूप है, उनकी सेवा ही मेरे लिए व्रत, मंत्र जप तथा धर्म कर्म है। तो इस तरह से वो अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूप गोस्वामी को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के लिए ही करना चाहते हैं, और उनको प्राप्त करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। बाद में वो बताते हैं कि किस दिन मेरे सौभाग्य का उदय होगा कि जिस दिन उनके चरण कमलों का दर्शन हो पाएगा और उनकी जो माधुर्य, उनका जो माधुर्य स्वरूप है, मधुर स्वरूप है, उतने इतना सुंदर उनका स्वरूप है, उनका दर्शन करके किस तरह से वो अपने आप को लाभान्वित कर पाएंगे, ये उनके हृदय की जो इच्छा है। बाद में नरोत्तम दास ठाकुर अपने आप को बताते हैं लाल समय प्रार्थना में, वो बताते हैं कि किसी तरह से, हे रूप गोस्वामी, मैं आपके विरह रूपी सर्प की विष से मेरा शरीर जर्जरित हो रहा है, जिससे मेरे प्राण चिरकाल से व्याकुल हो रहे हैं, अतः आप मुझे कृपा करके अपनी चरण छाया में रखिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। तो ये भगवत भक्त का भाव है। जब इस धरातल पे से जब कोई भी भक्त अपनी लीला को समर्पण करके जब जाते रहते हैं तो अल्टीमेटली लास्ट में वो रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा ये जो भगवान राधा कृष्ण की जो नित्य सेवा हो रही है, उन सेवा में आप हमें आज्ञा दें कि हम उन सेवा में प्रविष्ट होके आपकी सेवा कर सके, ताकि आप राधा कृष्ण की सेवा कर सके। तो यही हमारी गुरुपरा, यही इस गौड़ीय धारा का स्पेशलिटी है कि जिसके तहत हर भक्त गुरु शिष्य परंपरा में रहते हुए अपने आप को सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। कोई भी भक्त अगर हमारे हृदय में ऐसा भाव है कि मैं डायरेक्ट सेवा कर लूँ या मैं डायरेक्ट आगे पहुंच जाऊँ, तो ये वास्तविकता में ये भक्त का भाव नहीं है। अगर वैसा भाव हमारे हृदय में आता है तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अभी हमारे हृदय में मिथ्या अहंकार मौजूद है। तो ये प्रार्थनाएं श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने की है, आप सब लोग अनुवाद पढ़ सकते हैं। मैंने जस्ट उन्होंने स्पेशली रूप मंजरी, जो रूप गोस्वामी के बारे में जो इतना बताया कि हमें उनके शरण में जाना चाहिए, इसलिए मैंने रूप गोस्वामी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा की है कि रूप गोस्वामी का हमारे संप्रदाय में क्या महत्व है और हमारे लिए उनका क्या महत्व होना चाहिए और उन्होंने हमें क्या प्रदान किया। देखिये, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने उनके समय में जो भी, जब वो धरातल पर प्रकट थे तो उन्होंने कई सारे जीवों को इस भगवत प्रेम को प्रदान किया, कृष्ण प्रेम प्रदान किया। लेकिन जब वो चले गए उसके बाद इस प्रेम को प्रदान करने का जो माध्यम था वो उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आदि गोस्वामियों के माध्यम से उन्होंने हम सब जीवों को ये प्रकट कराया। और उन्होंने उनके द्वारा जो शास्त्र लिखे गए उन्हीं शास्त्रों को पढ़ के हम चैतन्य महाप्रभु को प्रयोजन को समझ पाएंगे, और फिर वो समझने के बाद हम उस प्रयोजन में दृढ़ता से प्रगति करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये जो कृष्ण प्रेम है वो रूप गोस्वामी के माध्यम से आगे फिर प्रकट कराने वाले।
तो इसलिए हम सब जीवों को चाहिए कि उनके द्वारा जो लिखित शास्त्र हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ के और उनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, और उन्हीं के शास्त्रों में से जो ये जो सारे उपदेश गुरुजन हमें दे रहे हैं, चाहे वो प्रभुपाद महाराज हो, हमारे गुरु महाराज या वरिष्ठ भक्तों, वो उन्हीं की धारा में से जो उपदेश निकल के आया शास्त्रों से वही हम सब जीवों को प्रदान कर रहे हैं। तो एक भक्त इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर कंपैरिजन करते हैं, वो मैं बता के आज का जो सेशन है वो कंप्लीट करेंगे, जिसमें वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है वो समुद्र के समान है, प्रेम के सागर है, जिस कृष्ण प्रेम को हमें प्राप्त करना है वो भगवान कृष्ण समुद्र के समान है, और जो राधा रानी है वो सूर्य के समान है, सूर्य के समान तेजस्वी है, उनकी कांति पिघले हुए सोने के समान है, और वो राधा रानी जैसे पहले हम भौतिक संसार के चक्कर के बाद जो रूपक है उसके समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बजाएंगे कि जैसे समुद्र है, समुद्र में बहुत सारा पानी है, और सूरज है जो हमारा जो ये टेम्परेचर जो सर्कल चलता है उसमें बताते हैं कि सूरज अपनी गर्मी से समुद्र के पानी को सोख लेता है और फिर उसका बादल बनता है, और फिर वही बादल वर्षा करते हैं, और वही वर्षा जब जमीन पर पड़ती है तो जमीन से फिर अन्न वगैरह का उत्पादन होता है, और फिर उसी को हम ग्रहण करके हम पोषण पाते हैं। तो भक्त बताते हैं कि भगवान कृष्ण समुद्र के समान है, अथा प्रेम के समुद्र है, हम डायरेक्टली उस समुद्र को उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते, तो राधा रानी जो कि सूरज के समान है वो उस प्रेम को ग्रहण करके जब उस भगवान कृष्ण से वो प्रेम ग्रहण करती है तो वो बादल के रूप में परिणित होता है, और जो बादल काले घने बादल है वो चैतन्य महाप्रभु के समान। तो जब राधा रानी ने इस कृष्ण प्रेम को ग्रहण किया और राधा कृष्ण दोनों एक तनु हो गए तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और चैतन्य महाप्रभु काले बादल के समान है, और वो बादलों से कृष्ण प्रेम रूपी वर्षा हो रही है, इस धरातल पर वर्षा हो रही है। अब वही वर्षा किसी मरुस्थल पे होगी तो उससे कुछ लाभ होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो मरुस्थल होता है वहां पे उपजाऊ भूमि नहीं रहती, तो वो वर्षा का पानी ऐसे बह जाता है। लेकिन तो इसके लिए क्या चाहिए? एक फलद्रुप भूमि चाहिए हमें, कि जिससे ये जो जितने भी धान्य वगैरह है वो उपजाऊ भूमि चाहिए हमें। तो बताते हैं कि जब ऐसी वर्षा होती है तो वो उपजाऊ भूमि जो है वो रूप गोस्वामी है। तो जब कृष्ण प्रेम की बारिश चैतन्य महाप्रभु करते हैं तो वो बारिश को उपजाऊ भूमि के रूप में चैतन्य रूप गोस्वामी अपने आप में समाहित करके फिर उस भूमि से जो फूल जो पौधे निकल के आते हैं और उस पौधे के ऊपर जो फल जो लगते हैं, तो बताते हैं कि जो पौधे हैं वो उनके द्वारा प्रदान किए हुए ग्रंथ हैं, और ग्रंथ में जो सिद्धांत दिए हैं वो फल है। और अब कोई व्यक्ति खेत में जाए, समझो गेहूं उगा है, गेहूं दिख रहा है उसको, तो क्या गेहूं को डायरेक्ट खा लेगा? नहीं खा पाएगा। तो आगे बताते हैं कि चेतन भगवान कृष्ण समुन्दर के समान है, जो कृष्ण प्रेम के सागर हैं, राधा रानी सूर्य के समान है, इन दोनों से राधा रानी के द्वारा जो कृष्ण प्रेम को जो आस्वादन किया गया है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में काले बादलों के रूप में जब आकाश में छाते हैं, और फिर वही चैतन्य महाप्रभु उस कृष्ण प्रेम की वर्षा करते हैं, और वर्षा करते हैं तो रूप गोस्वामी जिनको उपजाऊ भूमि के रूप में बताया गया वो उस प्रेम वर्षा को ग्रहण करके और फिर उसमें भूमि में से जो पेड़ पौधे निकलते हैं वो उनके द्वारा दिए गए शास्त्र हैं, और उन शास्त्रों में जो गूढ़ सिद्धांत दिए गए वो उस पेड़ पौधों पर लगते हुए फल के समान है, और प्रभुपाद जैसे महान भक्त उन फलों को एक्सट्रैक्ट करके लेके और फिर उन गेहूं को या जितने भी धान्य उगे हैं उनको लेके फिर उनको पीस के उसका बहुत बढ़िया सा भोजन बना के और जो ग्रंथ रूप गोस्वामी संस्कृत में लिखे थे उनको प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिख के या सभी रीजनल लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन होने के बाद वो हमको परोसते थे, तो हमारे पास में बनी बने हुई थाली हमारे आचार्यों के माध्यम से यहाँ पे प्रकट हुई हम सब जीवों के समक्ष। फिर भी हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम इन जो बनाया बनाया भोजन है जो प्रभुपाद महाराज ने हमें दिया है उनका हम आस्वादन नहीं कर पा रहे, उनको खा नहीं रहे और उनसे पोषित नहीं हो पा रहे, और हम अभी भी हम माया के जगत में लगे हुए वहां से कुछ पोषण प्राप्त करने के लिए, तो इसके कारण हम अभी भी संसार में दुखी है। लेकिन जिस दिन हम इस चीज को समझ लेंगे कि जो रूप गोस्वामी ने दिया था उसी को ही आत्मसात करके प्रभुपाद महाराज ने हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में हर संसार के प्रत्येक देश के रीजनल लैंग्वेज में उनको प्रदान किया है,
और एक बनाया बनाया हुआ प्लेट हमारे समक्ष रेडी है इस कृष्ण प्रेम का, हमें सिर्फ उसका आस्वादन करना है और गुरु जी के आदेशों पे हम इसका आस्वादन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो नरिशमेंट है वो भगवत भक्ति में आगे होगा, हो पाएगा। तो यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमें अभी अपने जीवन में रूप गोस्वामी के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त है या उनके अनुगत्य में जो भी भक्तजन गुरुजन भजन कर रहे हैं और हमें जो उपदेश दे रहे हैं उन्हीं उपदेशों को हम अपने जीवन में भी धारण करें। जिस दिन हम उन उपदेशों को अपने जीवन में धारण करेंगे कर पाएंगे उस दिन हम वास्तविकता में रूपानुग कहलाएंगे। अभी हमने चाहे हम दीक्षा लेने वाले हैं, दीक्षा ले लिए हैं, हम अपने आप को रूपानुग बताते हैं लेकिन अभी तक मैं अपनी बात करूंगा, अभी तक हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे कि हम अपने आप को रूपानुग बताएं, लेकिन हमें प्रयत्न करना है। तो ये भक्ति मार्ग है वो साथ में चलने का मार्ग है कि जिसमें एक भक्त दूसरे भक्त को सहायता करना है, सहायता करता है इसमें चलने के लिए। तो आप मेरे 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 लिए प्रार्थना करें, मेरी सहायता करें, मैं कहीं लड़खड़ा रहा हूँ तो आप मेरा हाथ थामिए और कहीं आप लड़खड़ा जाए तो मैं आपका हाथ थाम लूंगा। तो इस तरह से भक्तों का ये भाव होना चाहिए आपस में कि सभी लोग एक दूसरे का मदद करते हुए इस भक्ति भगवत भक्ति के पथ पर चले तो निश्चित रूप से हम सब लोग जो हमारे गुरुजनों की इच्छा है या जो चैतन्य महाप्रभु के मनोविष्ट था जो इस संसार के जीवों को भगवत धाम ले जाने का, उसी को रूप गोस्वामी ने प्रकट किया और फिर बाकी के जो आचार्य थे गुरुजन थे उन्होंने उसी उसी को सिंपलीफाइड फॉर्म में हमारे सामने प्रस्तुत किया प्रभुपाद महाराज ने और फिर आज प्रभुपाद महाराज की शिक्षाओं को गुरु महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। तो उन सभी आचार्यों का यह मनोविष्ट है कि हम सब जो जीव हैं वो भगवत धाम वापस जाए इस भौतिक संसार को छोड़ के तो उसमें हम सफल हो पाएंगे। तो यही ये भजन का जो मर्म जो मैं समझा हूँ, बाकी अगर मेरे से कोई क्षति हो गई हो तो कृपया माफ करें। और मेरी कोई ऐसी योग्यता नहीं थी इस भजन के ऊपर व्याख्या करने की क्योंकि ये भजन तो अभी हमारी गाने की भी योग्यता नहीं है कि इस स्टेज पर हम कब पता नहीं पहुंचेंगे। तो इसकी व्याख्या तो अगर हम गुरु महाराज या वरिष्ठ जो वैष्णवगण है उनके मुख से सुनेंगे तो हम निश्चित रूप से इसको ज्यादा समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में चर्चा करते हैं तो किसी ना किसी तरह से तो हम कुछ ना कुछ लाभान्वित हो पाएंगे क्योंकि आखिरकार हम चर्चा उन्हीं की कर रहे हैं। तो इसी आशय से मैंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत वर्णन किया था, बाकी देख लीजिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। आपकी बात में मैं एक चीज ऐड करता हूँ, आपने कहा प्रभुपाद जी ने हमको थाली परोस के दी है और गुरु महाराज का छोटा बच्चा अपने आप नहीं खाता है जी। तो गुरु महाराज जी हाथों खिला रहे, मुंह में निवाला खिला रहे और हम इतने दुष्ट उसको मना करते नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। सही बात है, भगवान बहुत ही सुंदर जी, बहुत ही सुंदर आपने जो कमी थी वो पूरी की है ना, इसलिए बताते ना कि भजन मार्ग ऐसा है कि जिसमें थोड़ा आप सहायता करें थोड़ा हम सहायता करें और आपस में मिलके जो कॉन्शियस हमारी बने तो यही अल्टीमेटली मतलब सभी भक्तों के लिए ज्यादा श्रेष्ठ है। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर जी प्रभु जी, बस हमको आपका ऐसे आशीर्वाद मिलते बहुत मजा आया प्रभु जी सुन के। नेहा माता जी सेशन नाउ ओवर टू यू, हमारी कमांडर इन चीफ। हरे कृष्णा जी, एक हरे कृष्णा। His Grace काली कृष्ण प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु जी ने इतनी सुंदर व्याख्या की। प्रभु जी एक्चुअली सच में कुछ मतलब जितना कुछ आपने बताया तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज के बारे में हमें। थैंक यू सो मच और मैं उम्मीद करती हूँ सभी भक्तों को आज बहुत आनंद आया होगा जिस हिसाब से प्रभु जी ने आज हमें एक्सप्लेनेशन करके बताई है। तो अभी किसी भी भक्तजन का कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोई डाउट हो आपका तो कोई माता जी या प्रभु जी आप हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। जी प्रभु जी लगता है आज सबने इतना कथा में आनंद लिया कि अभी किसी का डाउट नहीं है। तो अभी फिर हम अपना सेशन प्रभु जी हम सेशन माइंड अप करें फिर अपना। यस माता जी, कल के लिए अनाउंसमेंट है कि कल के लिए अपने बॉम्बे कल जो इवनिंग का सेशन रहेगा वो लिया जाएगा हिज ग्रेट तरुण कृष्ण। तो अभी तक आप लोगों ने ब्रह्मचारी का मुख से सुना है और काले कृष्ण प्रभु भी गृहस्थ हैं, वो भी देखिए इतना बड़ी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब काले कृष्ण प्रभु कल तरुण कृष्ण प्रभु आएंगे जो बॉम्बे में रहते हैं, उनकी वाइफ हरि भक्ति माता, दोनों सेशन में ज्वाइन करेंगे। गृहस्थी में रह के कैसे भजन कर सकता है, तो ब्रह्मचारी जो हमारे
भक्त लोग उन्होंने अपने भाव प्रकट किए कि गुरु जी की सेवा वो कैसे करते हैं। अब आपको गृहस्थों के माध्यम से भी सुनने का मौका मिल जाएगा कि वो कैसे सेवा करते हैं। तो कल इवनिंग सेशन मोस्टली 7 या 7:30 बजे रहेगा, तो आपको मैं ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ। अंजु माता हैंड रेज कर रही है जी। अंजु माता जी प्लीज आप अपना डाउट ले सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। उप्स, मेरी फोन की बैटरी डाइंग हो रही है, एक मिनट। हाँ जी माता जी, मेरे ना आज का सेशन मिस हो गया, मुझे आज की मिल जाएगी आज की मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग। यस माता जी, हो जाएगा रिकॉर्डिंग। ठीक है प्रभु जी, सॉरी आज मैंने बस अभी ज्वाइन किया सो मिस हो गया मेरा सारा आज का। नो इशू माता जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। और किसी भक्त को भी जो प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज प्रश्न पूछ सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन इतना सुंदर होता है कि कुछ संशय बचता ही नहीं है। आप इतने प्यार से धीरे धीरे इतना बढ़िया समझाते हैं, सब क्लियर हो जाता है। ऐसे कुछ हम लोग जब मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो कई बार हमारे टीचर लोग पूछते थे कि कोई डाउट है, तो कोई डाउट खड़ा नहीं करता था। टीचर बोलते थे मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया है, लेकिन वास्तविकता में हमको समझ में नहीं आता था। तो अभी क्या स्थिति है मैं नहीं जानता हूँ, समझ तो आ रहा है, बस उसको जीवन में धारण कर पाए। बस हमारी वही प्रार्थना है कि शब्दों को तो समझ पाते हैं, बट इसमें शब्दों को समझने के जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो सबसे बड़ी बात। बस वही हम सबका प्रयास है, मिलकर साथ चलेंगे शायद गुरु महाराज की सेवा कर पाएंगे। जी प्रभु जी, जरूर। आप सबसे प्रार्थना है कि आप भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं जो थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ वो मैं अपने जीवन में धारण कर सकूं, तो ये बोलना सार्थक होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इसका। तो इसलिए आपसे विनती है कि आप प्रार्थना करिए। सब भजन भक्ति में आगे बढ़ता, तो मैं सब भक्तों को अनम्यूट करता हूँ। पूजी का 3 बार जोर से हरि बोल करके पूजी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी, अच्छी कल की अनाउंसमेंट है कि जो किरण माता जी हमारी क्लास लेती है माता जी के लिए, वो अभी क्लास माता जी ने रिक्वेस्ट की है कि 2 वीक्स के लिए हम उसे ऑफ रखेंगे। एक्चुअली